जय श्री राम। प्यारे भक्तों, जब हिम्मत टूटने लगे तो एक बार इसे सुन लेना, आपकी हिम्मत टूट ही नहीं सकती। देखो प्यारे भक्तों, आप उस वक्त ये याद करना कि हम टूट नहीं सकते किसी भी हालत में। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति है जो कुछ भी कर सकती है, असंभव को संभव कर सकती है, दुख को सुख में बदल सकती है, लाभ को हानि को लाभ में बदल सकती है। तो फिर ये छोटे मोटे दुख से टूटने की बात कैसे आप कर सकते हो? कैसे उस दुख से, समस्या से आप हिम्मत हार सकते हो? खजाना आपके भीतर ही है, यानी कि परमात्मा की शक्ति आपके अंदर है। उस शक्ति को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। आप अपने शक्ति को याद करें, अपने आप को उस समय पर सकारात्मक संदेश उस शक्ति तक पहुंचाएं, तो आप टूट ही नहीं सकते। और कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि आए थे खाली हाथ, जो पाया यही पाया, जो खोया यही खोया। तो अपना तो कुछ है ही नहीं, किस लिए हमें दुख मनाना है, किस लिए हमें हिम्मत हारनी है? हमारे अंदर भगवान स्वयं विराजमान है, वो भगवान की शक्ति विराजमान है जो किसी भी हाल में टूटने हमें दे नहीं सकती। तो हम क्यों टूटते हैं प्यारे भक्तों? हम इसलिए टूटते हैं प्यारे भक्तों कि हमें अपनी शक्ति पर, परमात्मा की शक्ति पर विश्वास नहीं है। टूटने का मुख्य कारण ये है कि हम, आप अपने आप को जानते नहीं हो कि आपके पास क्या है। आपके पास तो वो शक्ति है जो शक्ति तीनों लोकों को, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को चला रही है, वही शक्ति आप में भी है। अगर आप चाहो तो पल में सब कुछ कर सकते हो, अगर आपको विश्वास हो जाए तो। परमात्मा ने हमें संपूर्ण शक्तियों के साथ इस जगत में भेजा हुआ है, लेकिन हम उनको जानते ही नहीं है। अगर आपके घर में खजाना गड़ा है, आप जानते नहीं हो तो लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरह आप जानते ही नहीं हो कि आपके अंदर शक्तियां हैं, आप टूट ही नहीं सकते, आप जो चाहो वो कर सकते हो। तो उठो और आगे बढ़ो और जो आप चाहते हो वो हासिल करके दिखाओ। अपने आप को दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ाओ और परमात्मा तक उन संदेशों को प्रतिदिन पहुंचाओ, तो निश्चित ही जो आप चाहते हो वो कर पाओगे। कोई भी समस्या आपका कुछ भी बिगाड़ ही नहीं सकती, विचलित होना ही नहीं है किसी भी स्थिति में, क्योंकि आप विचलित होने के लिए नहीं बने हो, आप आगे बढ़ने के लिए बने हो, समस्याओं से लड़ के और आगे उठने के लिए बने हो। तो प्यारे भक्तों, इन सकारात्मक बातों को सोचें, अपनी शक्ति के बारे में याद करें। खजाना आपके भीतर है, बस आवश्यकता है उसका प्रयोग करने की। उसको जान के उसका प्रयोग कीजिए, और उसको जानने का तरीका है, भगवान की भक्ति करते हो तो आप उसको जान ही पाओगे। नहीं तो उस तक सकारात्मक संदेश प्रतिदिन पहुँचाएँ, तो निश्चित ही जिस पल उस तक आवाज़ पहुंच जाएगी, जो आप चाहोगे वही कर पाओगे। कोई भी कार्य असंभव नहीं है। बाकी प्यारे भक्तों, अर्जी हमारी है और मर्जी आपकी है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।